हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं और ये हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको स्टार स्टॉक्स के बारे में बताएंगे। हम वो स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो कि स्टार हैं, आज भी हैं और वो कल भी रहेंगे, और ये सब हम आपको बताएंगे एनालिसिस के साथ में। देखिए, किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है, और यदि हम उन पैरामीटर्स का फॉलो नहीं करते हैं तो हमेशा हमसे गलती होती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने 5 पैरामीटर्स सिलेक्ट किए हैं जिनके आधार पर हम किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे, और हम यहाँ पर मल्टी बैगर्स को सिलेक्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमें हमेशा ये देखना होगा कि उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो कितने अच्छे हैं। तो पहला पैरामीटर होगा हमारा फंडामेंटल्स, दूसरा होगा ग्रोथ। हमें ये चाहिए कि कंपनी की जो सेल की ग्रोथ है, जो उसकी रेवेन्यू की ग्रोथ है, वो है या नहीं है। तीसरी चीज है, हमें वैल्यूएशन देखना है शेयर का कि कहीं ये ओवर प्राइस तो नहीं है। यदि ओवर प्राइस होगा तो हम उसको किस हद तक उसको हम एंटरटेन करेंगे। और चौथी चीज होती है डिविडेंड, क्या कंपनी एक रेगुलर डिविडेंड दे रही है। क्योंकि डिविडेंड यदि कोई कंपनी दे रही है तो डेफिनेटली वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पार्ट जो वो कमाती है, जो अर्निंग होती है, उसका वो देना चाहती है। और इसके बाद में आता है सेफ्टी और रिस्क, क्योंकि सेफ्टी, किसी भी शेयर को खरीदने के पहले हमें ये देखना चाहिए कि कहीं कंपनी में कोई रिस्क तो नहीं है। तो ये सारी चीजों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज हम जो शेयर लेने जा रहे हैं ये है फेज 3 एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि फेज 3 एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एक टेक्सटाइल की कंपनी है। ये कॉटन टेक्सटाइल बनाते हैं, खास करके इनका जो प्रोडक्ट्स है ये फर्नीचर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो इनका एक्सपोर्ट है, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि US में रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर इनकी इंडिया में होल्डिंग कंपनी है। तो इनका एक अच्छा बिजनेस है, ये सब हम अभी इस एनालिसिस में बात करेंगे। और ये केवल BSE में कोटेड है, और आज जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ 3 अगस्त 2020 को, आज के दिन इसका जो BSE का कोट है वो 35 पर ये बंद हुआ है, और ये बढ़ के बंद हुआ है 0.25% समथिंग। तो यहाँ पर हम ये एनालिसिस लेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये कंपनी कितनी अच्छी है और ये एक मल्टी बैगर बन सकती है या नहीं। तो हम ये बारी बारी से एनालिसिस करेंगे। अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने फंडामेंटल्स को देखने। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम फंडामेंटल्स के लिए हमेशा पायत्रुस्की स्कोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका पायत्रुस्की स्कोर यूज किया, और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि इनके 9 में से 9 पॉइंट्स आए हैं। तो ये एक सबसे अच्छी बात है, इनके 9 out of 9 पॉइंट्स आए हैं, और इसलिए हम इनको यहां पर एक स्टार देते हैं। और ये हमारा एक एनालिसिस कंप्लीट हुआ, हमने इनको एक स्टार दिया, और हम चलते हैं ग्रोथ की ओर। तो फ्रेंड्स, जहां तक की ग्रोथ की बात है, हमें एक किसी भी स्टॉक को खरीदने के पहले हमें जो ग्रोथ है कंपनी का वो देखना चाहिए, और जो कंपनीज ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं उनमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। लेकिन हम ग्रोथ को कैसे सिलेक्ट करें, क्या हम केवल PE रेशियो को देखें या नहीं? तो यदि हम केवल PE रेशियो को देखते हैं तो वहां पर हमारी गलती होती है। तो इसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसे हम PEG रेशियो कहते हैं। तो हम PEG रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे और इससे पता करेंगे कि ये कंपनी की ग्रोथ कितनी है, क्योंकि इससे जो ग्रोथ होगी वो रेगुलेटेड ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर हम PEG रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। पहले मैं आपको PEG रेशियो के बारे में बता देता हूँ। PEG रेशियो होता क्या है, ये बेसिकली जो प्राइस टू अर्निंग्स है, जिसे हम प्राइस डिवाइडेड बाई EPS कहते हैं। तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसको यदि हम EPS ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा PEG रेशियो आ जाता है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको दो पार्ट्स में देखते हैं। एक पार्ट है हमारा प्राइस टू अर्निंग्स PE रेशियो, जिसे हम A बोलेंगे, और दूसरा होगा EPS, जिसे हम B बोलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम वही स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जिनका कि PEG 1 होगा या उससे कम होगा, क्योंकि यदि उससे ज्यादा होगा तो हम ये कहेंगे कि ये ज्यादा ओवर प्राइस्ड कंपनीज हैं, तो हम उनको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ डाटा बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके शेयर प्राइस है 35 आज की, और इसका जो EPS है, इस साल का EPS ये है 7.46, और लास्ट ईयर का EPS है इनका 6.19। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
ये देखिएगा इनकी डाटा, इनकी वेबसाइट से मैंने निकाला है, दिस ईयर का इनका है 7.46 और पिछले साल का इनका है 6.19 जो आप लास्ट के दो कॉलम्स में देख रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद में अब हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करना है पी रेशो का और दूसरा कैलकुलेशन करना है हमें ईपीएस का, यानी जो अभी हमने आपको दिखाया था ए और बी, तो हम इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। और फ्रेंड्स हमने ये कैलकुलेशन किया और हमने ये देखा कि जब हमने पी रेशो का कैलकुलेशन किया तो हमने इसका शेयर प्राइस 35 डिवाइडेड बाई करेंट ईयर का ईपीएस 7.46 तो ये आ गया हमारा 4.7। और जब हमने कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस ग्रोथ किया तो ईपीएस ग्रोथ इस साल इनका जो ईपीएस है वो 7.46 और लास्ट ईयर था इनका 6.19, तो 7.46 डिवाइडेड बाई 6.19 माइनस 1 तो ये आ रहा है 20%। तो इनकी जो ईपीएस ग्रोथ है वो 20% की है, बहुत अच्छी है। और अब हम कैलकुलेट करेंगे पीईजी रेशियो यानी ए डिवाइडेड बाई बी, तो 4.7 डिवाइडेड बाई 20 तो ये आ जाता है 0.24। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यदि पीईजी 1 से कम है तो वो अच्छी होगी, तो ये हमारी जो पीईजी रेशियो है ये विद इन 1 है, तो ये हमारी परमिसिबल लिमिट के अंदर है, इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को एक स्टार देंगे। और यहाँ पर हम अपना जो स्कोर बोर्ड है इसमें हम कंपनी को एक स्टार दे देते हैं। तो अब तक कंपनी ने 5 में से 2 स्टार हासिल कर लिए हैं। और हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। हमारा तीसरा जो फैक्टर है वैल्यूएशन है, और इसमें हम देखते हैं कि क्या है। देखिए हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम वैल्यूएशन के लिए पी रेशो का यूज करते हैं या प्राइस टू बुक वैल्यू का यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला डेवलप किया था, वो डेवलप किया था ग्राहम ने। तो जो मिस्टर ग्राहम थे उन्होंने ग्राहम नंबर डेवलप किया। क्या है वो ग्राहम नंबर, क्योंकि उसके हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सही वैल्यूएशन हम कर सकते हैं किसी भी शेयर का। तो इनका जो ग्राहम नंबर है वो ये कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 22.5 मल्टीप्लाइड बाई अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। तो अगर ये नंबर होगा और इससे नीचे का प्राइस होगा तो वो हम कहेंगे कि ये प्राइस अच्छा है और हमें इस शेयर को खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो डाटा है वो इस तरह से है कि इनका जो प्राइस है वो 35 है, जैसे मैंने आपको बताया था। अर्निंग पर शेयर हम ऑलरेडी देख चुके हैं 7.46 है, और जो इनका बुक वैल्यू पर शेयर है वो 83 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करेंगे वो ग्राहम नंबर को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी 22 मल्टीप्लाइड बाई 7.46 मल्टीप्लाइड बाई 83 तो ये आता है 13,931, और इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये आता है 118। तो फ्रेंड्स ये जो 118 है ये हमारे जो प्राइस है शेयर प्राइस है उससे ज्यादा है, यानी कि जो ग्राहम नंबर है ये ज्यादा है, तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पर हम कंपनी को एक नेगेटिव पॉइंट देंगे, हम यहाँ पर कंपनी को कोई स्टार नहीं देंगे, तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं एक नेगेटिव पॉइंट। तो इस प्रकार से हमारे अब तक हुए 3 पॉइंट्स, और अभी हमारे पास 2 फैक्टर्स और है। जो चौथा फैक्टर है वो है डिविडेंड का। हम देखते हैं कि डिविडेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि डिविडेंड किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है, और वो शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करता है, साथ में शेयर होल्डर्स की एक रेगुलर इनकम होती है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। और इसके लिए जो बेस्ट तरीका है कि किसना किसी शेयर ने कितना डिविडेंड दिया, तो उसको हम बेस्ट जो इनका मेथड होता है वो हम डिविडेंड यील्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो हम डिविडेंड यील्ड को लेते हैं और डिविडेंड यील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि इससे हम किस तरह से किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं और उसके प्राइस का एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड के बारे में बता दूं कि जो एनुअल डिविडेंड मिलता है कंपनी का उसको यदि हम करंट स्टॉक प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो वो डिविडेंड यील्ड हो जाता है। और डिविडेंड यील्ड यदि 1 से ज्यादा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि कोई भी डिविडेंड यील्ड यदि मोर देन 1 होगा तो वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी शेयर प्राइस है 35, और जो एनुअल डिविडेंड इन्होंने दिया है मार्च में वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने जो मार्च में डिविडेंड दिया है वो 6 मार्च को इन्होंने डिविडेंड दिया है, और इन्होंने
50 पैसा डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, ये इंटरिम डिविडेंड है, अभी फाइनल डिविडेंड इसमें नहीं आया है, तो हो सकता है कि ये 50 और दे दें। तो फिलहाल हम इसी को ही लेकर चलते हैं। तो यदि हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम जब डिविडेंड यील्ड इसका कैलकुलेट करेंगे तो डिविडेंड यील्ड इनका आ जाता है 1.43, क्योंकि 0.50 डिवाइडेड बाई 35 एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाई शेयर प्राइस, तो 1.43 आ गया। तो जैसा कि हमने कहा था कि यदि एक से ज्यादा होगा तो वो अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर ये एक अट्रैक्टिव, हम बोलेंगे कि ये अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है, तो यहाँ पर हम कंपनी को एक स्टार देंगे और यहाँ पर हम स्कोर बोर्ड में भी कंपनी को एक स्टार देंगे। और अंत में आते हैं हम फ्रेंड्स सेफ्टी एंड रिस्क पर। तो इसके लिए जो सेफ्टी एंड रिस्क के लिए जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जो एक कैलकुलेट करना होता है वो ये देखना होता है कि कंपनी की कहीं बैंकरप्सी तो नहीं है, या कंपनी ऐसा तो नहीं है कि बैंकरप्ट हो सकती है, क्योंकि उसके लिए यदि कोई कंपनी बैंकरप्टी होने वाली है तो हम उसका शेयर कितना भी चीप हो, उसका डिविडेंड कितना भी ज़्यादा हो, उसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और जनरली ये जो बैंकरप्सी के जो फैक्टर्स होते हैं वो वर्किंग कैपिटल है, अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, टोटल एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, और उसके मार्केट वैल्यू है या बुक वैल्यू है, ये सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं कि कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है या नहीं है। और इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि ऑल्टमैन ने डेवलप किया था, जिसको ऑल्टमैन जेड स्कोर कहते हैं। तो हम ऑल्टमैन जेड स्कोर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ऑल्टमैन जेड स्कोर के लिए हमें ये डाटा की जरूरत पड़ती है कि नेट सेल्स, एबिट, टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज, रिटेन्ड अर्निंग्स, वर्किंग कैपिटल और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। यहाँ पर ये जो डाटा है इसको किस तरह से हम यूज करके और ऑल्टमैन जेड स्कोर लेके आते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑल्टमैन का जेड स्कोर है, जैसे जीटा बोलते हैं, उसमें ये सारी चीजें हैं, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, रिटेन्ड अर्निंग डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटीज, और जो ई है वो सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। और इन सब के बाद में फिर इनको कंबाइन करके जैसे 1.2A, 1.4A, इन सबको टोटल कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये कि काफी रिसर्च के बाद में ये फॉर्मूला ऑल्टमैन ने डेवलप किया था। और ऑल्टमैन ने ये बताया कि यदि कोई भी स्कोर यदि 2.99 आता है तो वो एक सेफ जोन में माना जाता है, और यदि 1.81 से 2.99 आता है तो हम उसे ग्रे जोन मानते हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार से सेफ जोन होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी कई बार ग्रे जोन से निकलती है, किसी वजह से बिजनेस कम होता है या कुछ है। लेकिन ऑल्टमैन ने एक चीज बताई थी कि यदि कोई स्कोर 1.81 से कम है तो उसको हम डिस्ट्रेस जोन बोलेंगे और ऐसी कंपनीज के शेयर हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यदि जेड का स्कोर 1.81 से कम आएगा तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, और यदि इससे ऊपर आता है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेट किया है वो आप देखेंगे कि मैं इसको यहाँ पर ऑनलाइन कैलकुलेट कर रहा हूं, और आप देख सकते हैं इसको। तो ये मैंने सारे इसमें डाटा फीड कर रखे थे, और इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 2.73। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये जो है वो एक ग्रे जोन में है, लेकिन हम यहाँ पर कंपनी को देंगे एक पॉइंट, क्योंकि ये हमारा इसी लिमिट में आता है। और इस प्रकार से यहाँ पर हम सेफ्टी और रिस्क में कंपनी को देते हैं एक और स्टार। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो एनालिसिस किया है इसके हिसाब से हमारा जो फेज 3 एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का 4 स्टार्स आ रहे हैं, तो इस कंपनी की जो रेटिंग होगी वो होगी 4 स्टार। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप इस तरह के मल्टी बैगर्स के वीडियो देखते रहिएगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।